नमस्ते, मैं हूँ रंजनी और मैं हूँ निकिता। ग्रीन इंटर्नशिप शो में आपका स्वागत है। क्या आप हमें से एक और यह सोच रहे हैं कि 12th के बाद आप अपने जीवन में क्या करेंगे? क्या आपको कोई व्यवसाय शुरू करना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए या कौन सा करियर बनाना चाहिए? इसलिए हम आज शो के साथ हैं जिसका नाम है ग्रीन इंटर्नशिप शो, जिसमें हम आज ऐसे कई युवाओं से मिलने जा रहे हैं जो पूरे बिहार भर में अलग अलग क्षेत्रों में इंटर्नशिप कर रहे हैं और अलग अलग कौशल सीख रहे हैं। उन्हें वह व्यवसाय शुरू करने की जरूरत है जिसे वो शुरू करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं। वे जैविक खेती, मशरूम की खेती, टिकाऊ उत्पाद, मधुबनी पेंटिंग, ड्रिप सिंचाई, वर्मी कम्पोस्ट, पुनर्चक्रण, कचरा प्रबंधन और कोडिंग जैसे कई अन्य क्षेत्रों में उद्यमियों के साथ कार्य अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। अब आप उनसे पूछेंगे कि ग्रीन इंटर्नशिप या ग्रीन जॉब क्या है? यह वह है जो टिकाऊ है, जो जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखता है, जो कम प्रदूषण करता है, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है, कच्चे माल का पुनर्चक्रण करता है और पर्यावरण के लिए हितकारी है, भले ही वो सीधे तौर पे एक हरित उद्यम ना हो जैसे कि एक तकनीकी व्यवसाय। जब तक व्यवसाय स्थायी रूप से संचालित नहीं होता, इस शो में हम जानेंगे कि इंटर्नशिप प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आप कौन से कौशल सीखेंगे, इंटर्नशिप कैसे करेंगे, पेशेवर सेटअप में काम करना कैसा होता है, यह आपकी कैसे मदद करेगा और भी बहुत कुछ। प्रत्यक्ष अनुभव के साथ आप स्वयं के बारे में जान पाएंगे, ना कि किसी और के अनुभव के आधार पर। उस व्यवसाय के बारे में जिससे आप शुरू करना चाहते हैं या फिर नौकरी करना चाहते हैं। तो आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में बात करने जा रहे हैं जैविक नर्सरी कैसे बनाते हैं और उनका रख रखाव कैसे करते हैं। हाय, मैं जोया। आई एम साम्या। हम लोग यहाँ पर 10 दिनों के इंटर्नशिप के लिए आए हैं। आप लोगों का यहाँ पे स्वागत है। जानते अपने दोस्तों से उन्होंने क्या क्या सीखा। ये ऑर्नामेंटल पौधा है, शोभा के लिए काम आता है, गमले में लोग सजाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पॉलिथीन में हम क्यों लगाते हैं? जैसे कि कोई पौधा हम तैयार किए, पॉलिथीन में लगाने से क्या होता है कि हम इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुविधा होता है। जैसे किसी को कोई आए तो हम उखाड़ के हम गाज दे दिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंजिता परवीन है। आपका नाम क्या है? आपने यहाँ पर क्या क्या सीखा? हमने यहाँ पे पेड़ लगाना सीखा और पेड़ में खाद कैसे डालते वो सीखा। एयर के लिए प्लस पानी जो है स्टोर नहीं हो, ठीक है, ऐसे करना, नीचे रख के करना, ठीक है। मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। और आपको यहाँ पे आके कैसा लगता है? मुझे यहाँ पे आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। पेड़ का कटिंग कैसे किया जाता है वो सीखा, खाद तैयार करने को सीखा, गमला तैयार करने को सीखा और बहुत कुछ सीखा जो हम नहीं जानते थे और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। कमल जो है अपने आप जो है वो मदर प्लांट से बच्चा निकलते रहता है। सिर्फ आपको एक प्लांट उसमें से निकालना है जिसमें रूट रहे, ठीक है, वैसे गमला लेके या गड्ढा खून के या सीमेंटेड करके जैसा भी आप रखना चाहते हैं वैसे रखिए। और उसी प्लांट को क्या करना है, सिर्फ इसमें ये निगरानी है जितना ये प्लांट है इसका पानी भी इतना ही रहना चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, पानी में डूबना नहीं चाहिए, ये तो सड़ जाएगा, ये थोड़ा सा पानी इसका ऊपर रहना चाहिए। आइए चलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस के अंदर। मेडिसिनल प्लांट है, जो आयुर्वेद का जो प्लांट होता है, आयुर्वेद का जो प्लांट होता है उसमें क्या क्या होता है जो हम लोग के लिए काम आता है? बारिश में हम बाहर लगाएंगे तो बह जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग इसमें लगाते हैं तो कंट्रोल्ड मतलब नियंत्रित क्लाइमेट हम लोग बनाते हैं, अपने हाथ में रहता है टेम्परेचर कितना देना है, इसको पानी से बचाना है, छत है, धूप भी आता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेहाना परवीन है, मैं 9th में पढ़ती हूँ, सेक्शन में पढ़ती हूँ और मेरा घर माधोपाड़ा में है। आपने यहाँ पर आके क्या क्या सीखा? मैंने यहाँ सीखा पेड़ लगाना सीखा और कटिंग कैसे किया जाता है वो सीखा।
और भी बहुत कुछ। और आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ बहुत अच्छा फील हो रहा है। धन्यवाद। आइए फिर से चल के जानते हैं आम के पौधे के बारे में। आम का लगाना है तो नॉर्मली तरीका है लगाने का, जैसे ये देखिए ये ग्राफ्टिंग हो गई, यहाँ से इसका ग्राफ्टिंग होता है, नीचे बिज्जू है ऊपर ग्राफ्टिंग। इसको लगाने का तरीका क्या है ये देखिए, इसमें मिट्टी जितना है खोला, ठीक है, उतने जमीन के अंदर डालना है, और डालने से पहले आपको कोई खाद नहीं डालना है, सिर्फ फ्लोराडोर जो कीटनाशक होता है जो कि अंदर में कीड़ा को डिस्टर्ब ना करे पौधा को, इसी में वो ही डाला जाए। फिर एक महीना के बाद आप कंपोस्ट डाल सकते हैं, ठीक है, जनरली खाद जब गाछ आपका लग जाए तब आप खाद का यूज कीजिए। आइए सबसे जानते हैं तकनीक के बारे में। ये प्लांट हो गया, ठीक है, अब हम इसमें जो है इस प्लांट इतना ग्रो में नहीं है, थोड़ा लता टाइप का हो गया है, इसको हमको एक कटिंग करना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो ये जो प्लांट है ये झुक जाएगा ज्यादा चीज़ है, इसको फिर हमको शेप में लाना है, तो इस शेप में भी आ जाएगा, इस प्लांट से हमको ज्यादा प्लांट भी तैयार हो जाएगा, तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसका कटिंग करना है, इसको हमको ज्यादा तैयार करना है, ठीक है, तो इसको तैयार करने के लिए तो हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे, जहाँ से इसका पत्ती निकलता है उसके नीचे से कटिंग किया जाता है। लीची का पौधा जो आपको ग्राफ्टिंग करना सीखना है तो लीची का जनरल ग्राफ्टिंग ऐसे होता है, जैसे कलमी है ये पौधा हुआ, अब इसमें से हमको कलम निकालना है, ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो है कटिंग करना है, फिर इसका छिलका जो है निकाल देना, ठीक, उसके बाद इसमें मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी काट के ऐसे करके इसमें पन्नी दोनों साइड से लगाना है, फिर साइड में बांध देना है, और इसके बाद इसको छोड़ देना है, एक डेढ़ महीना इसमें रूट आ जाए, ठीक है। तो बहुत चीज तालमेक का पेड़ है, इसके बाद तालमेक भी लिखो, तालमेक लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जैसा कि हमने देख लिया है इंटर्न्स इंटर्नशिप के बारे में क्या सोचते हैं, तो आइए अब हम पूर्णिया जिले के उद्यमी से बात करते हैं। सर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद सत्यार्थी है, इस ग्रोमर फूड नर्सरी का मालिक हूँ मैं। हम लोग हमारे फादर इसको शुरू किए थे, इसको एस्टेब्लिश किए 1967 में इसको स्टार्ट किए, उस समय यहाँ बहुत मतलब खाली लैंड था और इसके बाद नर्सरी के बारे में कुछ नहीं जानते, तो उन्होंने सबसे पहले बनाना कल्टीवेशन यहाँ किया इस कोसी रेंज में, नया नया महाराष्ट्र से प्लांट लाके एक्सपर्ट लाके बनाना कल्टीवेशन यहाँ शुरू किए, इनके कहने पर लोग इन्वेस्ट करने लगे, इस तरह से शुरू हुआ। फिर बाद में आम लीची लोग मांगने लगे, आम लीची हम लोग अपने कलम बनाते हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से हमारा एक्रेडिटेशन है, उसके तो इसके बाद मदर प्लांट सब जगह से ला के हम लोग सब हम लोग तैयार कर रहे हैं, धीरे धीरे होता गया, और हम लोगों ने एक अच्छा उद्देश्य साथ में लेके चले कि हमको जो भी काम करना है पैसे के लिए नहीं, एक सेवा भावना से करना, उस तरह से हम लोग काम शुरू किए और लोगों को अच्छा लगा और एक गुणवत्ता युक्त पौधा हम उन लोग को देने लगे, तो अभी दूर दूर से लोग आते हैं, पौधा ले जाते हैं और इसको कंटिन्यू किया, और हम अपना सेवा बरकरार रखते हुए इसको आगे भी बढ़ाएंगे और भी ज़्यादा काम करने का कोशिश करेंगे, इस तरह से हम लोग बिजनेस मन में ख्याल नहीं था कि कुछ अच्छा काम करना, उस उद्देश्य से हम लोग काम हम लोग किए। 10 दिनों में आपने बच्चों को क्या क्या बताया? सारे जैसे नर्सरी क्या होता है, इसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए, जो आदमी सीख रहे हैं उनको क्या योग्यता होना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या जमीन की आवश्यकता है, ये सब इस सब के बारे में बताएगा, और प्लांट कटिंग कैसे होता है, बीज कैसे रोपा जाता है, पॉली हाउस का उपयोगिता क्या है, और गमले में मिट्टी कैसे भरना है, इसको पौधा बड़े पैमाने पर कैसे करना है, लोगों से कैसे संपर्क करना, मार्केटिंग के लिए क्या किससे मिलना है,
और इसको इसको बृहत रूप से सब लोगों को बताया गया है, तो इससे लोग लाभान्वित हो सकते हैं। सर, आपको कैसा लगता है आपने इन युवाओं को प्रशिक्षण दिया है और युवाओं के लिए क्या? ऐसा है कि कोई भी काम मेहनत से करने से वो काम सफल होगा ही, और हम ये चाहेंगे कि आप लोग भी इसको अच्छी तरह से जो चीज ये नर्सरी के बारे में जो आप सीखे हैं उसको सीरियसली गंभीरता पूर्वक काम करते हुए इसको काम करें। इसमें इसका भविष्य बहुत अच्छा है और ये प्रकृति से जुड़ा हुआ काम है। इस काम को करके आप प्रकृति का भी सेवा कर सकते हैं, लोगों का भी सेवा कर सकते हैं और आपका आमदनी भी अच्छा बढ़ सकता है। आप इसमें बहुत मेहनत करते हुए कीजिए, आपको काफी लाभ। आइए देखते हैं किशनगंज में इंटर्नशिप कैसा चल रहा है। हेलो नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है। और मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक नर्सरी इंटर्नशिप के बारे में। हम छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे कि वह नर्सरी के बारे में क्या क्या जानते हैं, तो चलिए चलते हैं उनके पास। आपका इंटर्नशिप कैसा चल रहा है? मेरा इंटर्नशिप बहुत अच्छा चल रहा है। क्या हुआ, वैसा ही चल रहा है जैसा आपने उम्मीद किए थे? हाँ, वहाँ ऐसा ही चल रहा है जैसा मैंने उम्मीद की। क्या आपको उनमें से कोई प्रतिक्रिया मिली है? यदि हाँ तो क्या? हाँ, हमको बहुत सारी सारी प्रतिक्रिया मिली है। जैसे कोई भी काम को मन लगा के करना चाहिए। आपका इंटर्नशिप कैसा चल रहा है? मेरा इंटर्नशिप बहुत अच्छा चल रहा है। क्या आप क्या वो वैसा ही चल रहा है जैसा आपने उम्मीद की थी? हाँ, मैंने हाँ जैसे मैंने उम्मीद की थी वैसा ही चल रहा है। क्या आपको उद्यमी से कोई प्रतिक्रिया मिली है? यदि हाँ तो क्या? हाँ, मुझे उद्यमी से बहुत सारी प्रतिक्रिया मिली है। जैसे कि पेड़ों पे कलम बांधना या फिर पेड़ों पौधा को एक दूसरे से दूसरे जगह लगाना और करना। आप ऑर्गेनिक नर्सरी इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप इस पैसे के बारे में क्या जानते हैं? आपने कोई रिसर्च किए हैं? इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन के बाद हम जान गए कि कैसे बनाया जाता है। यह इंटर्नशिप कितने दिन? 10 दिन। क्या आपको लगता है यह काफी है? इस तरीका से हम इसको इसी तरीका से होना जाता है। आप अपने मित्रों सहयोगों से क्या सुन रहे हैं? हाँ, मैं अपने मित्रों से ये सुन रहा हूँ कि आप फिर से ट्रेनिंग होगा तो हमको भी बोलिएगा। हथियार और चलाओ उधर से। हाँ। कसके मारो जोर से। उड़ी गया, सीख गया। इस इंटर्नशिप में आप क्या सीखने की उम्मीद करते हैं? इस इंटर्नशिप में हम नर्सरी के बारे में बहुत कुछ जानने की उम्मीद करते हैं। क्या आप नर्वस हैं? नहीं, पहले हम नर्वस थे, अब हम आत्मनिर्भर हैं। अब अपने अनुभव के बारे में कुछ और बताएं। हाँ, हम यहाँ जो सीखे हैं वो घर में भी जाके कर सकते हैं, जैसे कलम बनाना और पौधों को उखाड़ के दूसरे जगह लगाना, ये सब सीखे। तो जैसा कि हमने देख लिया है, इंटर्न इंटर्नशिप के बारे में क्या सोचते हैं, तो आइए अब हम किशनगंज जिले के उद्यमी से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूर मोहम्मद है। आप कहाँ रहते हैं? मैं खाड़ी टोला में रहता हूँ। आप क्या करते हैं? हम नर्सरी का काम करते हैं। यह काम आप कितने दिनों से करते हैं? आज तकरीबन 20 साल से करते हैं। अपने इस व्यवसाय को कैसे शुरू किया? इस व्यवसाय को हम बड़ा मेहनत से और लगन से शुरू किया। इस काम को करने के लिए कौन कौन सी फसल की आवश्यकता है? इस काम को करने के लिए मेहनत, लगन और ईमानदारी का जरूरत है।
की नज़र में छात्रों के प्रति कैसा मूल्यांकन करना है? बच्चे 10 दिन में बहुत अच्छा काम सीखे और ये काम सीख करके घर में भी अपना काम कर सकते हैं। आप इस व्यवसाय को शुरू करने वाले युवाओं को क्या सलाह देना चाहते हैं? सलाह मैं ये देना चाहता हूँ कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ये काम को सीख करके काम कहीं भी कर सकता है। आइए देखते हैं मुंगेर में इंटर्नशिप कैसा चल रहा है। गुड आफ्टरनून, मैं स्नेहा कुमारी, मैं नवनीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ इस ग्रीन इंटेंसिव शो में। क्या आपको भी लगता है कि हमें 12वीं के बाद क्या करना चाहिए? नौकरी करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए या अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहिए? तो चलिए हम आपके साथ हैं। तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं मुंगेर जिले के हो रहे माया नर्सरी में इस ग्रीन इंटेंसिव शो में। तो चलिए हम उन युवाओं से बात करते हैं। देखो कितना दूर है, हाथ तो तुम्हारा कांप रहा है, नज़दीक हो गया ज़्यादा। अब क्या होगा ना, देखो अब जैसे ही नज़दीक ज़्यादा हो गया तो नज़दीक नज़दीक पौधा लग जाएगा, जब इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी वहाँ पे रुका हुआ रहेगा, तो जब रुका हुआ रहेगा तो इसमें क्या है, जड़ नहीं है, तो पानी जब रुका हुआ रहेगा क्या होगा, वो गल जाएगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साक्षी कुमारी है। आप किस जिले के रहने वाले हैं? हम मुंगेर जिले के रहने वाले। आज का दिन खत्म हो गया तो कैसा लग रहा है? हमें बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इंटर्नशिप खत्म हो जाने के बाद हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। युवाओं को इंटर्नशिप और कार्य अनुभव क्या मिलना चाहिए? युवकों को कार्य इंटर्नशिप अनुभव ये मिलता है कि कुछ नया सीखने का मिलता, कुछ नए करने का मिलता, नए नए चीजें सीख सकते हैं। बिजनेसमैन खाली पेपर जो आता है ना पौधा में बंद के खुला, इसको भी खोल के यूज करता है। ऐसे बाजार में भी मिलता है, पैसा लगा के भी खरीद सकते हैं, लेकिन यह जुगाड़ टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग बहुत आगे हैं। ये रूटवैक्स है ऑर्डर, इसको जब उसमें लगा के देंगे तो क्या है, ये रूट लाने में ये सहयोग करता है। इसको लगाएंगे कैसे, ठीक है ऐसे डुबा लिए और क्या करेंगे, झार लेंगे इसमें, ठीक है डाल दिए, साइड से हल्का दबाएंगे, इस ढंग से लेके जाना है, हर छेद जो बनाए हुए हैं उनका वार होगा, छूटना नहीं चाहिए भाई ये, ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल कीजिए, एक एक लगाइए जिसको लगाना है, आइए कोई बात ना है, इसको इधर घुमा लीजिए, सामने जितना अंदर जाएगा उतना डाल देना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिजीत कुमार है। आप किस जिले के रहने वाले? मैं मुंगेर जिले का रहने वाला हूँ। ये इंटेंसिव कितने दिनों की है? 10 दिनों की है। क्या आपको लगता है काफी नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि 10 दिन में हम सीख सकते हैं, हमें और समय की आवश्यकता होगी। क्या आप नर्वस हैं? हाँ। क्या? क्योंकि हमें पता नहीं कि हम जाएंगे तो क्या सीखेंगे और हम सीख पाएंगे या नहीं। क्या आपको इस उद्यमी से कोई प्रतिक्रिया मिली? यदि हाँ तो क्या? बाजार में पैसा बिखरा हुआ है तो समय की शिक्षा आनी चाहिए। आपका नाम क्या? मेरा नाम सुमन कुमार पांडे। आप किस जिले रहने वाले हो? हम मुंगेर जिले के रहने वाले। आपके लिए 5 कौशल के बारे में बताइए। घबराना नहीं और हार नहीं मानना, डट कर रहना और समय में बातचीत करना और नोट्स बनाना। तो जैसा कि हमने देख लिया है इंटर्न्स इंटर्नशिप के बारे में क्या सोचते हैं, तो आइए अब हम मुंगेर जिले के उद्यमी से बात करते हैं। क्या अपना नाम बताइए? मेरा नाम अमित कुमार झा है। आप किस जिले में रहते हैं? मैं मुंगेर जिले में रहता हूँ। और आप क्या करते हैं? मैं नर्सरी का व्यवसाय करता हूँ। अपना व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक युवाओं के लिए कुछ सलाह बताइए। अपना व्यवसाय शुरू करने के पहले युवाओं को इसके बारे में गहराई से जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद इस व्यवसाय को शुरू करना चाहिए। इसके लिए कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए। तो आज
आज हमने सीखा कि जैविक नर्सरी कैसे बनाते हैं और उनका रख रखाव कैसे करते हैं। यह अब आपके पास है। अब आपने इंटरप्राइज के बारे में सब कुछ जान लिया, जैसे कि आपने हमें काम करते और कार्य अनुभव प्राप्त करते हुए देखा। तो क्या आपको लगता है कि हमें काम करते वक्त देखते समय आपने भी कुछ सीखा? हाँ, बहुत खूब। हमें लिखे और हमें बताएं कि आपने क्या क्या सीखा। और अगर आपको भी इंटर्नशिप करना है तो www.goingtoschool.com पर हमारे साथ संपर्क करें या फिर स्क्रीन पर आ रहे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल करें। हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं ताकि आपको इंटर्नशिप के रोमांचक सफर पर भेज सकें और 12वीं के बाद अपना करियर शुरू करने में मदद करें। फिर मिलते हैं। हे एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा आज का ये शो देखने के लिए। क्या आप सबको मजा आया? क्या आपने एंजॉय किया? सुपर। क्या आप भी ग्रीन एंटरप्राइज के साथ जुड़ना चाहते हो या फिर इंटर्नशिप पाना चाहते हो? चलो, ये मौका भी है आपके पास। आर यू गाइस एक्साइटेड नाउ? एक्साइटमेंट तो होगी ही आज तक। तो चलिए, आप लोगों के पास मौका है एंटरप्रेन्योरियल स्किल सीखने का और एक या एक से ज्यादा ग्रीन एंटरप्राइज इंटर्नशिप करने का। तो साइन अप करने के लिए उस पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए और ज्वाइन कीजिए आज ही ग्रीन एंटरप्राइज इंटर्नशिप। सो कौन कौन सी इंटर्नशिप आप कर सकते हो? बी कीपिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सोलर इंस्टॉलेशन, सोलर प्रोडक्ट्स, वेस्ट मैनेजमेंट, वर्मी कंपोस्ट, इसके साथ साथ बायोगैस और हाँ और भी बहुत सारी स्किल्स आप सीख सकते हैं इंटर्नशिप करके। ये जो आप सारा दिन हाथ में फोन पकड़े बैठे हैं, जरा उसका इस्तेमाल कीजिए, कुछ फायदा उठाइए, कॉल और व्हाट्सएप कीजिए और साइन अप कीजिए आज ही फॉर ग्रीन एंटरप्राइज इंटर्नशिप के लिए।